जय साथियों, उत्तर प्रदेश में BTC, BEd, DLED, UPTET और CTET पास तमाम युवाओं के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया जब उन्हें यह महसूस हुआ, यह ज्ञात हुआ कि इस बजट में भी उनके भर्ती का पिटारा नहीं खुला। क्या वास्तव में अब शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं होगी? क्या अब प्राथमिक विद्यालयों में नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो युवाओं को झकझोर कर रख देते हैं। जी हाँ, एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब 51,112 पद लगभग खाली है, लगभग 51,000 पद खाली है, फिर नई भर्ती का ऐलान क्यों नहीं होगा? क्या वास्तव में नई शिक्षक भर्ती कभी नहीं आएगी? उन युवाओं का क्या होगा जो कई बार टेट सीटेट पास कर चुके हैं? उन तमाम गृहिणियों का क्या होगा जिन्होंने कई बार टेट परीक्षा को पास किया है, कई बार सीटेट परीक्षा को पास किया है और उन्होंने 2 वर्ष प्रशिक्षण भी किया है, DLED, BTC, BEd, DEd, जो भी उनके साथ था। अब क्या पढ़ें, क्योंकि दिल तो टूट जाता है ना, अब आखिर पढ़ें क्या? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब तक खुद को हम सबमिट कर नहीं रखेंगे, तब तक हम राष्ट्र निर्माण की भूमिका नहीं अदा कर सकते। अगर आप एक शिक्षक बनने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं और ये भी सोच भी रहे हैं आप सरकारी शिक्षक जरूर बनेंगे, तो कहीं ना कहीं एक सरकारी शिक्षक की, एक शिक्षक की सबसे बड़ा ये होता है कि अपने आप पर काबू करना, संयम रखना, संघर्षशील होना, और वो गुण आप में हैं और दिख भी रहे हैं। एक सवाल है कि भर्ती आने की कितने प्रतिशत चांस है? ये अभी भी कोई उम्मीद बची है या जिंदा है? क्या हम उन उम्मीदों के भरोसे अपने आप को बेहतर करने के लिए मजबूर कर सके? तो आपने देखा होगा कि सदन के पटल में माननीय मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया, ये बताया गया, ये अवगत कराया गया कि 51,000 पद उत्तर प्रदेश के बेसिस के विद्यालयों में लगभग खाली है, किंतु अभी जो पद है वो सरप्लस है। तो दो बातें हैं, अगर सरप्लस है तो खाली कैसे, खाली है तो सरप्लस कैसे? तो इसके लिए आप लोग ये समझ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जनपदों से शिक्षकों के डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। इन डेटा को कलेक्ट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षक भर्ती है उसका सृजन किया जा सके, उसके लिए समाजन की प्रक्रिया की जा रही है ताकि जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षक चले जाएँ। तो एक बात तो साफ हो जाएगी फिर कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षक हैं अथवा नहीं है, कहाँ कहाँ है। उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि नई शिक्षक भर्ती होगी या नहीं होगी। तो हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ पर ये माना जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं उस समय भर्तियों के पिटारे खुलते हैं। अभी आपको लगेगा कि सर ये किस आधार पर आप कह रहे हैं, तो देखिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्तियों के पिटारे खुल रहे हैं, लगभग जो 4 साल से 3 साल में 5 साल में नहीं हो पाए थे वे सभी भर्तियां क्रमवार रूप से, क्रमिक रूप से, तेजी से इस समय चलायान हो चुकी है। इस समय आप देखेंगे तो SSC की, रेलवे की भर्तियां का विज्ञापन के साथ साथ उनके नियुक्ति पत्र की तरफ भी अग्रसर हो गए। मतलब लोकसभा के चुनाव से पहले इन तमाम पदों को भरकर, इन तमाम पदों पर नई नियुक्तियां करके माननीय सरकार फिर से अगले आने वाले चुनाव में लाखों पदों के वादे कर सकते हैं। तो अब हम सभी को बस अपने मूल से मतलब है कि हम एक सरकार शिक्षक बनना है। हमें इन प्राथमिक विद्यालय के नौनिहालों तक अपने ऊर्जा को पहुंचाना है, उनका सर्वांगीण विकास करना है। उसके लिए हमारे आपके पास बस दो रास्ते हैं, या तो थक हार कर बैठ जाएं या तो अपना बेहतर देते रहें। और आपको भी ये पता होगा कि दुनिया उम्मीदों पर पलती है, उम्मीदों पर जलती है, इसलिए हमने इस उम्मीद से BTC अपग्रेड किया था कि कल को सरकारी शिक्षक के शिक्षिका बनेंगे। हमने अपने इसलिए टेट पास किया था कि चलो इसके बाद हम सुपर टेट देंगे। तो अब ये भी एक उम्मीद है कि हमें सरकारी शिक्षक बनना है, तो हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। कहीं से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिएगा। सेल्फ स्टडी कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी होती है ये आपकी और दुनिया की सबसे बेस्ट स्टडी मानी जाती है। और हम ये बार बार कहेंगे कि अपनी पढ़ाई को कभी ब्रेक मत दीजिए, बल्कि इन कोशिशें करिएगा अपने पढ़ाई का जो दायरा उसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। आप खंड शिक्षा अधिकारी, आप RO/RO, इनकी भी तैयारी कर सकते हैं, और सारी तैयारियों को आपको खुद करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। तो आप अपनी तैयारी को खुद के साथ जारी रखिए और मजबूत करिए, क्योंकि अगर आपने इनको मजबूत कर लिया तो आने वाले समय में आप बेहतर कर पाएंगे। मैं आपसे बार बार ये कहना चाहूँगा कि आप भी अभी भी समय है, आप अपना बेहतर देते रहें। हमें थक कर नहीं बैठना है, हम सबको अपने माँ बाप, अपने परिवार का सपना पूरा करना है। हम सब उस मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं जहाँ हमारे सपने
हमारे परिवार के सपनों के साथ जुड़े होते हैं। अगर हम टूट जाएंगे तो हमारे परिवार के सपनों का क्या होगा? हम ये मानते हैं कि भर्ती नहीं है, हम लगातार डिमोटिवेट हो रहे हैं, लगातार टूटते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी लक्ष्य है जो हमें सुबह उठने पर, देर से सोने पर और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। और इसलिए हम सभी को खुद से ये संकल्प लेना है, खुद से ये वादा करना है कि हम सब अपने परिवार का सपना जरूर पूरा करेंगे, हम उनके सपनों को पूरा करेंगे, हम उनके सपनों में चार चांद लगाएंगे और हम अपना बेहतर उनको देते रहेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सब पढ़ना मत बंद करिएगा, क्योंकि भर्ती का पिटारा कभी भी खुल जाएगा, किसी भी दिन खुल जाएगा। तो जो आज टूट कर बैठ जाएंगे उनके लिए यही भर्ती एक पहाड़ सा प्रतीत होगा, उन्हें लगेगा क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। और आप अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, देर होगी लेकिन आपने सुना होगा कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो आप भी पराजित नहीं होंगे, बस परेशान होंगे, थोड़ा सा डिमोटिवेट होंगे, लेकिन खुद को सजो कर रखेगा, खुद को बांध कर अपने आप में रखेगा, एक दिन आपके सफलता का डंका जरूर बजेगा। और आप इस चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मेरी निःशुल्क क्लासेज आप सभी को मिल रही है, आगे भी मिलते रहेंगी, ताकि हम और आप मिलकर आपके साथ कुछ बड़ा और कुछ बेहतर करें, आपके सपनों की उड़ान में थोड़ी सी हवा हम भी भर दें। तो आप लोग अपना बेहतर देते रहिएगा, क्योंकि चुनाव के नियर अबाउट ये उम्मीद हम और आप लगा सकते हैं कि पदों पर भर्ती हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री जी ने भी कहा कि मामला न्यायालय में लंबित है, बीटीसी वर्सेस बीएड का जो मामला है वो न्यायालय में लंबित होने के कारण भी भर्ती प्रक्रिया में विलंब हो रही है, और शेष आरक्षण का विवाद भी न्यायालय में है, इसलिए 18,000 पदों पर जो भर्ती हो रही है तो वो भी रुकी पड़ी है। इसलिए ये मान के चलिएगा अगर आरक्षण का विवाद सुलझता है तो भी आपको 18,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी, मिल सकती है। तो इसलिए हम ये मान के चलें कि नहीं कम पदों पर भर्ती होगी तो क्या होगा, इसलिए अभी भी आप सब अपना बेहतर और अपना बेस्ट जरूर देते रहें। अगर आपके कोई व्यक्तिगत सवाल है इलर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन टूटिएगा मत। मैं बार बार आपसे कहूँगा खुद को जोड़ कर रखिएगा, कभी भी खुद से मत हारिएगा, वरना दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकेगी। आप अपने परिवार के दामन में जरूर सरकारी नौकरी देंगे, ये मुझे भी विश्वास है, आपके परिवार को विश्वास है, मुझे आपकी मेहनत आपकी लगन पर भी भरोसा है, और अपनी मेहनत अपने लगन के भरोसे अपनी सफलता को अपने कदमों के नीचे जरूर लेकर आएंगे, और यह करने में आप सफल होंगे और ये करके भी आप दिखाएंगे। आप सभी साथी मित्रों को फिर से मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप पढ़ते रहिएगा, निरंतरता बहुत जरूरी है सफलता के लिए, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप एक रेस के घोड़े हैं और आपके रेस सिलेक्शन से है और आप सिलेक्शन लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा उन तमाम युवाओं को लिए जो थक कर बैठ चुके हैं, उन्हें फिर से दौड़ लगाइए, उन्हें फिर से दौड़ाइए, और बताइए तब तक हमें दौड़ना है जब तक हम जीत का सेहरा अपने सर पर, जीत का इस सफलता का स्वाद अपने परिवार वालों को ना दे दें, तब तक हम नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे, नहीं बैठेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरोह यारो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आप अपनी तैयारी रखें, सेल्फ स्टडी करें, उसके लिए हम आपको बुक बता देंगे, बुक्स पढ़ते रहिए और आप रेस के घोड़े हैं और आपको मंजिल जरूर मिलेगी। आप सभी का थैंक यू, जोड़ कर रखिएगा, हिम्मत रखिएगा, भर्ती देर सवेर जरूर आएगी और जिस दिन आएगी उस दिन आपका सपना पूरा होगा, आपके परिवार का सपना पूरा होगा। और जो कहा जाता है कि कर हर हर मैदान फतेह, आप वो करेंगे। थैंक यू आप सभी का, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। मिलते हैं फिर एक नए सेशन एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही e-learning with दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे e-learning with दुर्गेश से मिल जाएगी, और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी।
e-learning with Durgesh का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही e-learning with Durgesh के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए।